हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में लॉकडाउन का मजा उठा रहे होंगे। कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन घर पे तो है भाई, आराम से, राइट? तो आई होप आप लोग एकदम सेफ होंगे घर पे। कोरोना बहुत फैल रहा है, कृपया करके थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? तो देखिए, आज रात का 9:30 बजे का हमारा जो ये प्रीमियर है, आज हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का पार्ट 3, ठीक है? पहले दो पार्ट्स ना देखे हो तो जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। ओके जी, तो सबसे पहली बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, क्योंकि भाई 250 पे पहुंचने वाले हम, ठीक है? फटाफट पहुंचा दो भाई। ओके, एंड थैंक यू सो मच इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3। तो आज के सेशन में हम जो जो पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन का एजेंडा है नोटेबल स्कॉलर्स। और कौन से नोटेबल स्कॉलर्स है, देखिए पहले तो हम रीनी डिस्कार्टेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर हम वोल्टेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जॉर्ग विल्हेम फ्राइडरिच हेगल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लियोपोल्ड वॉन रैंकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप सब लोग अपने टेक्स्ट बुक्स के साथ तैयार है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कभी कभी नोट डाउन करनी पड़ती है, तो भाई कर लेना। चलिए तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बस इतना ही बताना है इंट्रोडक्शन में कि द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी। तो ये हिस्टोरियोग्राफी कैसे कैसे लिखी जाए, ये सबकी डेवलपमेंट में ऐसे कुछ महान बाबा लोग थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए अपने, ठीक है? यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि मैं किसी भी हिस्टोरियोग्राफर हिस्टोरियन का मैं यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, बस आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है? तो चलिए, कोई भी अपने मन पे ना ले, सो लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। तो सबसे पहले हमारे जो बाबा है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो है रीनी डिस्कार्टेस बाबा, ठीक है? तो अब देखिए, रीनी डिस्कार्टेस बाबा ने क्या बोला, ही वॉज द फॉरमोस्ट मतलब सबसे आगे, ठीक है, अमंग स्कॉलर्स हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। यार ये क्या हो रहा है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। तो ये सबसे आगे थे, मतलब ये सबसे शुरुआती वाले बाबाओं में से एक थे जिन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर तुम्हें हिस्ट्री लिखनी है तो तुम्हें अपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को की रिलायबिलिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वो कितना ज्यादा सच है, ठीक है, वो तुम्हें सच्चा साबित करना पड़ेगा बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग, मतलब उसका बहुत ही क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। वो कैसे कैसे होता है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, जैसे कि उसके अंदर जो हमने हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का एक चार्ट पढ़ा था, फिर हमने और भी पढ़ा था ना ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल वगैरह। तो ये सारी चीजों से इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, और ये तो जरूर करना चाहिए, तब तक हिस्ट्री नहीं लिख सकते, ऐसा रीनी डिस्कार्टेस बाबा ने कहा था। ओके, सो अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट कर लीजिए, उनकी बुक का नाम डिस्कोर्स ऑन द मेथड, उसके अंदर उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी के कई सारे रूल्स समझाए थे। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, मतलब जो जो उन्होंने बोला उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। तो उन्होंने क्या बोला, रिनिक बाबा ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कोई भी चीज को तब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक उसके ऊपर एक भी डाउट ना बचे, सारे के सारे डाउट्स के तबाही मच जाए, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट एकदम रियल है, तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को एकदम रियल साबित कर देते तो उसके बाद उसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं कर सकता, राइट? सो ही सेड दैट जब तक तुमने अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया,
जब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे कोई उंगली ना उठा सके कि ये कुछ गलत है, तब तक उसे सही नहीं मानना, ऐसा रेनी डिस्कार्टेस बाबा ने हमें बोला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बाबा जो कि है वोल्टेयर बाबा। ठीक है, यहाँ पे आप फोटोज भी देख सकते हैं, मैंने साइड में इनकी एक सुंदर सी प्यारी सी फोटो लगा के रखी है। ठीक है, तो वोल्टेयर बाबा ने हमें क्या बोला देखते हैं। सो वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रैंकोइस मारी ऑरुलेट, ही वॉज फ्रेंच। ठीक है, तो वोल्टेयर बाबा का असली नाम था फ्रैंकोइस मारी ऑरुलेट और वो एक फ्रेंच थे, मतलब फ्रांस में रहने वाले थे। ही ओपाइंड, ओपाइंड मतलब ही क्या कहते हैं वो, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, या फिर उन्होंने ऐसा इंसिस्ट किया, इंसिस्ट करना मतलब अपनी बात पर अड़े रहना एकदम। ठीक है, सो ही ओपाइंड दैट अलोंग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, अलोंग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस ट्रेड इकोनॉमी एग्रीकल्चर एटसेट्रा वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी। तो देखिए हमारे ये वाले बाबा ने क्या बोला, हमारे ये वाले बाबा ने हमें बोला कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब जो सीधे सीधे सच्ची बात है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज ने मुगलों के एक फोर्ट पर अटैक किया, ये सच्ची बात है। ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब उसके पहले क्या क्या हुआ था, उसके पहले कुछ तो हुआ था वो भी हमने देखा, लेकिन सिर्फ इतना देखना सही नहीं है, इसी के साथ साथ और भी कुछ चीजें होती है जो आपको कंसिडर करनी पड़ती है, जैसे कि सोशल ट्रेडिशंस। सोशल ट्रेडिशंस मतलब उसके आसपास जो लोग रहते थे, उन लोगों के सोशल ट्रेडिशंस का मतलब है कि लोग क्या क्या उनकी मान्यताएं थी, वो क्या क्या मानते थे। जैसे हमने, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी शिवाजी महाराज की, तो उसमें आपने कुछ चीजें ऐसी देखी होगी जो हमें सोशल ट्रेडिशंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मुगल्स शिवाजी महाराज के टेरिटरी पे कब्जा करते थे तो वो सारे मंदिर वगैरह जला के रख देते क्योंकि वो हिंदुओं के, लेकिन जब शिवाजी महाराज मुगलों के टेरिटरी पे कब्जा करते थे तो वो मॉस्क को जलाते नहीं थे क्योंकि क्या था, उनको सभी धर्मों का एक सेक्युलरिज्म उनके अंदर था। तो देखिए यहाँ पे हमें सोशल ट्रेडिशंस का पता चलता है, ट्रेड इकोनॉमी। अब शिवाजी महाराज के बारे में आपने सिर्फ उन्होंने क्या युद्ध लड़े, उन्होंने क्या किया ये नहीं पढ़ा होगा, उनके बारे में कुछ इकोनॉमिकल बातें भी पढ़ी होगी, उनके बारे में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, मतलब उनका अपने अष्ट प्रधान मंडल के बारे में तो सुना ही होगा, राइट। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर। तब अभी उस समय में जो भी अलग अलग चीजें हैं, लोग क्या क्या करते थे, वो सारी चीजें हमें ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजी के साथ पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी मतलब एक के बाद एक जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, सो दिस ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी। ओके, इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। मतलब वही चीज है ना कि किसी भी समय की आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो लोगों के लाइफ का हर एक पहलू, हर एक हिस्सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब तक आप हिस्ट्री नहीं लिख सकते, ऐसा वोल्टेयर बाबा बोले। दस किधर गया, दस इट इज सेड दैट वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अच्छा, ऐसा क्यों, वोल्टेयर बाबा ही क्यों मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडर थे? जरा आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी तो निकालना, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो उसके अंदर हमने देखा हुआ है ये जो सेकंड वाला पॉइंट था, दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब मैंने आपको बताया था ह्यूमन सेंट्रिक है, मतलब यहाँ पे इंसानों की स्टडी ज्यादा है। ठीक है, तो ये वोल्टेयर बाबा जी थे यही बोले, इंसानों के लाइफ की स्टडी यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, दस ही इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके ये जो बर्थ के ईयर से डेथ के ईयर से ये सब आपके इंफॉर्मेशन के लिए एग्जाम में तो बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जॉर्ग विलहेल्म फ्राइडरिच हेगल। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोनंसिएशन गलत है, लेकिन अगर हम फ्रेडरिक की जगह फ्राइडरिच बोले तो आपको एग्जाम में लिखते समय ऐसा नहीं पड़ती है, राइट। फ्राइडरिच, दीज आर इजी टू रिमेम्बर, फ्रेडरिक नॉट इजी टू रिमेम्बर, स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें फ्राइडरिच ही कहेंगे। सो जॉर्ग, ठीक है, जॉर्ग विलहेल्म फ्रेडरिक सॉरी फ्राइडरिच हेगल। ठीक है, अब हेगल बाबा ने क्या बोला वो देख लेते हैं। ठीक है, सो हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। अब ये जर्मनी के थे, हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है कि जर्मनी के भी लोग काफी इंपॉर्टेंट थे हिस्टोरियोग्राफी में। हमने देखा हुआ है जर्मनी में जो सबसे पहला जो स्कूल खोला था जिसका नाम था
क्या था, गोटिंगेन यूनिवर्सिटी, राइट, 1737 में। तो इनके जन्म के पहले वो यूनिवर्सिटी खुली थी, और हो सकता है ये वहां कहीं हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। अब अगर तुम कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री की तुम्हें रियलिटी भी पता चल जाती है, तो वो रियलिटी तुम कैसे भी नहीं रख सकते, उसको एक लॉजिक के तरीके से रखना चाहिए, तुम्हें लॉजिक समझना चाहिए। अब उसका क्या मतलब हुआ, टू हिम द टाइम लाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। मतलब देखिए, अगर आप टाइम में आगे बढ़ रहे, इसका मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। वो ऐसा कहते थे कि अगर तुम इस टाइम में हो, इस टाइम से आगे इस टाइम में पहुंचे, इसका मतलब इसमें कुछ प्रोग्रेस हुई होगी, इसके अंदर कुछ लॉजिक लगाओ, ठीक है, ये सब बोलते थे वो। ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री वॉज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंस वुड कम फॉरवर्ड। अब वो ऐसा बोलते थे कि हिस्ट्री ना, हिस्ट्री कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही रहेगी, हिस्ट्री हमेशा बदलती रहेगी, और वो इसलिए बदलती रहेगी क्योंकि समय के साथ साथ नए नए एविडेंस, नए नए हमें प्रूफ मिलते रहेंगे, कहीं पे खुदाई की तुम्हें ये मिल गया, खुदाई की तुम्हें वो मिल गया, ये सब चीजें हो सकती है। ये हमें हेगेल बाबा ने बोला, ठीक है। सो विथ हेगेल्स फिलोसफी मेनी स्कॉलर्स वर कन्विंस्ड दैट हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी दो दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स। अच्छा, हिस्ट्री के जो मेथड्स है और साइंटिफिक मेथड्स है, उनके बीच में थोड़ा फर्क तो होता ही है, भले हिस्ट्री में कार्बन डेटिंग वगैरह जैसे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क होता ही है। और हेगेल साहब ने क्या बोला हमें कि जो हिस्टोरिकल मेथड्स है, वो हिस्टोरिकल मेथड्स भले साइंटिफिक मेथड से अलग हो, लेकिन उनसे कुछ कम नहीं है, उनकी क्वालिटी कुछ कम नहीं है। ऐसा मत समझो कि साइंटिफिक मेथड से हमेशा सही सच पता चलेगा, जैसे हिस्ट्री में तुम खुदाई करते हो, साइंस में खुदाई नहीं करते हो, दैट इज द डिफरेंस। लेकिन हिस्ट्री के अंदर खुदाई करनी ही जरूरी है, इसलिए खुदाई करते हो, इसलिए दैट इज नॉट अ लेसर क्वालिटी मेथड, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। तो उनके जो लेक्चर्स है, उनके जो आर्टिकल्स है, वो कौन सी बुक में लिखे हुए हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। लेकिन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस उन्होंने खुद नहीं लिखी है, ठीक है, इस गलत फहमी में मत रहना। उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है रीजन इन हिस्ट्री, ठीक है, रीजन इन हिस्ट्री नाम की उन्होंने किताब लिखी है खुद से, और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस में उनके लेक्चर और आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है, समझ में आगे बात। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये वाला जो मैंने पूरा लिख रखा है यहाँ पे, तो ये जो चीजें है, ये आपको रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला पेज है, तो इसे आप टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 4 पे येलो कलर का बॉक्स है, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में है। सो अकॉर्डिंग टू हेगेल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स। अब उन्होंने देखिए लॉजिक कैसा लगाया, अभी समझ में आने वाला है। सो हेगेल बाबा क्या बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट का मीनिंग पता चाहिए, उसका मीनिंग समझना है, तो वहां पे हमें दो अपोजिट चीजें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए वो क्या बोलते हैं, उनकी ना बहुत ही अलग सी फिलोसफी थी। व्हाट ही सेड वाज, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड, एटसेट्रा। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप और मैं छोटे छोटे बच्चे थे, तब हमें हमारे एल्डर्स सही चीजें तो बताते थे, लेकिन गलत क्या है वो भी बताते थे, राइट? सिर्फ सही चीजें ही बताते थे, ऐसा नहीं है, गलत चीजें भी बताते थे कि नाखूनों को बाइट करना गलत होता है, स्लीपिंग एट लेट नाइट इज अ बैड हैबिट, ये सब चीजें भी बताते थे, बैड हैबिट्स भी बताते थे साथ साथ में। वो क्यों बताते थे कि अगर हमें बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स दोनों ना पता हो, दोनों अपोजिट्स ना पता हो, तो तब तक हमें वो सही से समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है। वैसे ही हेगेल बाबा ने हमारे पास यही लॉजिक लगाया है यहाँ पे, ओके। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग, वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ये सब समझ में आना चाहिए। सिमिलरली गुड एंड बैड, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स, ठीक है। तो जब हम अपोजिट्स की बात करते हैं, तो उस मेथड ऑफ एनालिसिस को हम डायलेक्टिक्स ये नाम देते हैं। इन दिस मेथड अ थ्योरी इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग विच इज कॉल्ड थेसिस। तो शुरुआत में हम एक थ्योरी निकालते हैं, मतलब जो हिस्टोरियन है वो सबसे पहले बोलेगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उसे हम कहते हैं थेसिस। देन अनदर थ्योरी इज प्रपोज्ड विच इज कॉन्ट्ररी टू द थेसिस, इट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। कॉन्ट्ररी का मतलब उससे अपोजिट है,
ठीक है। तो जो थेसिस थी उस थेसिस से कुछ अपोजिटिव थ्योरी निकली, मतलब कोई एक दूसरा हिस्टोरियन आके बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, और उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस, ठीक है। एंड आफ्टर अ थरो लॉजिकल डिस्कशन, थरो मतलब बहुत ही क्या कहते हैं बाल की खाल निकाल के, लॉजिकल लॉजिक के साथ एक डिस्कशन करने के बाद ऑफ बोथ द न्यू थेसिस, जो थेसिस आई जो एंटीथेसिस आई, ठीक है, उन दोनों का एकदम थरो डिस्कशन करते हैं, एंड विच इंक्लूड द गिस्ट ऑफ बोथ, मतलब दोनों ही चीजों को हम एक साथ लेते हैं और उन दोनों अपोजिट्स को हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थेसिस, हम एक नई थेसिस निकालते हैं उन दोनों को मिलाकर, और उसे हम कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक मीम देख सकते हैं कि यहाँ एक थेसिस थी, यहाँ एक एंटीथेसिस थी, उन दोनों को मिला दो, मतलब उन दोनों का डिस्कशन करा दो, तो हमें मिलेगी सिंथेसिस। ये हेगल बाबा ने ऐसा बोला होगा, ठीक है जी। ओके ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है। और कोई भी डाउट आ रहा हो फटाफट लाइव चैट में पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट बाबा के बारे में अब हम पढ़ेंगे जो कि है लियोपोल्ड वॉन रैंकी, ठीक है। तो ये साहब इन्होंने हमें क्या बोला था वो भी देख लेते हैं। सो हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब सन 1800 से लेकर 1899, ठीक है, 1800 to 1899। सो उस 19th सेंचुरी में जो हिस्टोरियोग्राफी थी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड वॉन रैंकी ऑफ द बर्लिन यूनिवर्सिटी। बर्लिन मतलब वापस जर्मनी का ही एक हिस्सा है, तो जर्मनी की ये बर्लिन यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे लियोपोल्ड वॉन रैंकी साहब थे, और इन्होंने ऐसी हिस्टोरियोग्राफी की चीजें बताई कि सारे लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। He spoke about the critical method of historical research, मतलब historical research को कैसे एकदम बारीकी से किया जाता है वो बताते थे। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original document. अब लियोपोल्ड साहब क्या कहते थे, लियोपोल्ड साहब कहते थे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो असली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमें साइट से खुदाई के बाद वगैरह मिले जाते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। सो दिस वॉज हिज एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब वो ऐसा, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। ऑन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care. मतलब अगर तुम्हारे पास उस historical event से related और भी दूसरी documents भी है तो उन दूसरे documents की भी पड़ताल करो, अच्छे से एकदम बाढ़ की खाल निकाल के पड़ताल करो। जब तक तुम्हें एकदम सही सारी चीजें नहीं मिलती तब तक पड़ताल करो, ठीक है। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. वो कहते थे कि हाँ ये method तुम करोगे तो तुम historical truth मतलब एक सही रास्ते पर जाओगे। He criticized imaginative narration of history. मतलब वो कहते थे कि भाई तुमने अगर अपने दिमाग से सोचकर इसमें एक भी चीज डाली तो मतलब तुमने हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया, ठीक है। वो क्या कहते थे कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो ही सच रहेगा, तुम्हारे दिमाग से तुम कुछ मत सोचो, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन टू बुक्स, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोनों बुक्स उन्होंने लिखी नहीं थी लेकिन उनके जो आर्टिकल्स है वो इन दोनों बुक्स में मिलते हैं। पहली है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरी बुक है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं एक मिनट के लिए रुक रहा हूँ, आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो अभी के अभी लाइव चैट में पूछ लो, जो लोग लाइव जो लोग प्रीमियर नहीं देख रहे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे ईमेल जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ पे आगे मेरा ईमेल दिया हुआ है नीचे, ओके। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर हियर, इवन दिस इज माई इंस्टा आईडी ऑल्सो यहाँ पे, ठीक है। एंड दोस्तों मेरा एक दूसरा भी चैनल है जो कि है द स्टडी शैक बाय संकेत मलि, वो भी 250 पे पहुंच रहा है। चलो भाई फटाफट दोनों चैनल्स को 250 पे पहुंचा ही दो, एंड लाइक ना किया तो कर देना, सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई साहब जरूर कर देना, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपके कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो, मैं रुका हूँ एक मिनट के लिए, ठीक है जी। आपके कोई भी डाउट्स हो तो अभी के अभी पूछ लो।
पूछ लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।